हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिसलिक क्रीम के बारे में। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, इसको यूज़ कैसे करता है और इसको यूज़ करते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब बातें इस वीडियो में इस क्रीम के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, मेडिसलिक क्रीम जो है, देखिए, ये 20 ग्राम का पैक होता है जो कि आपको 140 रुपये में मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इसके फ़ायदे। दोस्तों, ये क्रीम टॉर्क कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके फ़ायदे क्या होते हैं। दोस्तों, इसके फ़ायदों के लिए, ये यूज़ की जाती है स्पेशली एक्जिमा में और सोरियसिस में। एक्जिमा एक ऐसी प्रॉब्लम होती है स्किन की, जिसमें स्किन जो है वो इच्ची और इन्फ्लेमेशन वाली स्किन हो जाती है, और जिसमें एक तरह से कह सकते हैं हम खुजली लगने लगती है और रेडनेस आ जाती है और स्वेलिंग होने लगती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्जिमा। आपको यहाँ पर मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ, उसके देखिए, ये होती है एक्जिमा। और सोरियसिस एक ऐसी जिसमें स्किन की जो सेल्स होती हैं वो फॉर्म करती हैं पैचेस की, जो ड्राई होते हैं और उनमें इचिंग रहती है और इन्फ्लेमेशन भी रहती है। ऐसे पैचेस को स्किन की सेल्स फॉर्म करती है, उसको हम बोलते हैं सोरियासिस। इसका भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फोटो, तो इसके लिए यूज़ की जाती है। इसी के साथ साथ ये स्किन में जो इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, एक बेचैनी होती है, उसको ये ख़त्म करती है। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छी क्रीम है ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। इसी के साथ साथ ये क्या करती है कि जो डेड स्किन सेल्स होती हैं उनको ख़त्म कर देती है और जो स्किन होती है उसको सॉफ्ट करती है, मुलायम करती है। अब जान लेते हैं इसके नुकसान क्या होते हैं। तो देखिए, इसके जो नुकसान होते हैं वो उसमें आता है, आपकी स्किन जो होती है इसकी वजह से पतली हो सकती है और आपकी स्किन की जो ऊपर की लेयर होती है वो डैमेज हो सकती है, और बर्निंग, इरिटेशन, इचिंग, इन्फ्लेमेशन या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन इसकी वजह से हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको दिखती है तो आप डॉक्टर को तुरंत बताएं। अब बात करते हैं इसको यूज़ करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पहली चीज़, आपको जो डोज रिकमेंड की गई है डॉक्टर की तरफ से उतने ही दिन इसको यूज़ करें, अपनी मर्ज़ी से यूज़ ना करें, डॉक्टर की सलाह से या किसी स्पेशलिस्ट की सलाह से इसको यूज़ करें। ठीक है, और जितना टाइम, जितने समय तक बताया गया है उतने ही दिन तक यूज़ करें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इसको अप्लाई करें तो अप्लाई करने से पहले अपने फेस को, अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें, जिससे कि कोई बैक्टीरिया या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके स्किन या आपके साइट ऑफ एप्लीकेशन पे ना रहे। ठीक है, और जब आप इसको यूज़ करें तो यूज़ करने से पहले आप उसकी एक्सपायरी डेट, उसका जो लेबल है, उसको सही से चेक कर लें। ठीक है, हो सकता है कि वो एक्सपायर हुई तो फिर उसका आप में प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी स्किन के लिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के अच्छे वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ घंटा दबाइएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों, मेरा एक दूसरा चैनल है वसीम त्यागी व्लॉग्स। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरा व्लॉग चैनल है वो, आप उस पर मेरे व्लॉग्स को देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग व्लॉग्स होते हैं। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।